व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। एक नया दिन है, नए दिन की शुरुआत है और आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि मैं आज क्या नाश्ता करने जा रहा हूँ। बेसिकली एक सीरीज बना रहा हूँ जैसे कि आप सबको मालूम है, और उस सीरीज में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं क्या खाता था नाश्ते में जब मुझे डायबिटीज नहीं था। तो वही चीज सारे चीज दिखा रहा हूँ, शायद आप लोग भी वही चीज खाते होंगे और वही सारे चीज खा के बहुत ही हाई कार्ब नाश्ता में करता था और वही सारे चीज खा के मुझे डायबिटीज हुआ था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मुझे शुरू में मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी खा रहा हूँ और ये सारे चीज हेल्दी आप लोग भी सोच के खा रहे होंगे और मैं भी खाता था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब होता है और एक्सेस कार्ब की वजह से ही आपको डायबिटीज होता है। तो बेसिकली एक सीरीज बना रहा हूं और आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे तो प्लीज ये गलती ना करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको डायबिटीज क्यों हुआ है तो ये सारे ब्लॉग्स देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और आपको डायबिटीज आखिर क्यों हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आज के नाश्ते में क्या है। सारे लोग ये कहते हैं कि आपका नाश्ता जो है बहुत हैवी होना चाहिए, यही सब हमने सुना है कि नाश्ता आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए क्योंकि आपका दिन की शुरुआत जो है आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपको हैवी नाश्ता करना चाहिए, लंच में थोड़ा सा कम खाना चाहिए और डिनर में जो है आप जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन नाश्ता आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए, नाश्ता आपका राजा की तरह होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो करता था, बिल्कुल राजाओं की तरह खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था, हैवी खाता था और ऐसा लगता था कि ये बहुत सारे हेल्दी चीज मैं खा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खाता था यूजुअली नाश्ते में। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं एक सीरीज बना रहा हूँ कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं हर दिन क्या खाता था जब मुझे डायबिटीज नहीं हुआ था। तो देखिए आज मेरे पास ये उपमा है। हर दिन मैं अलग अलग चीज खाता था क्योंकि मैं एक ही चीज खाता था तो बोर हो जाता था, तो अलग अलग दिन अलग अलग चीज बनाता था। तो देखिए आज मैंने बनाया है उपमा और उपमा के साथ एक मेरे पास पराठा है और पराठे को दही के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये दही है और इसमें मैंने चीनी भी डाला हुआ है, एक चम्मच चीनी डाला है क्योंकि मैं बंगाली हूँ और बंगाली लोग चीनी बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, तो इसमें चीनी डाला है मैंने। और साथ में चाय, सुबह के टाइम में चाय ना पिए तो फिर क्या पिए। और ये चाय जो है ये स्टीविया नहीं डाला है इसमें, इसमें डाला है चीनी, अच्छा खासा चीनी और दो चम्मच चीनी क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो कम से कम दो चम्मच चीनी डाला है। तो दोस्तों अगर ये सारे चीज अगर आप देखेंगे तो आपको तो वैसे हेल्दी लग रहा होगा, खा के बताता हूँ कैसा है। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। ये उपमा जो है सूजी का बना हुआ है, इसमें प्याज भी डाला है, इसमें करी पत्ता डाला है, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा मूंगफली, सब कुछ है, लेकिन ज्यादा जो है वो सूजी ही है। और सूजी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप लोग को मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि 100 ग्राम सूजी में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, और नीचे कमेंट में जरूर बताना 100 ग्राम सूजी में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, नीचे जरूर बताना। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही खा रहे हैं? मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं डायबिटीज होने के पहले कैसे खाता था। हर रोज मैं कुछ ना कुछ अलग खाता था और उपमा मुझे बहुत पसंद था, इनफैक्ट अभी भी पसंद है, पर बहुत कम खाता हूँ और खाता भी हूँ तो बहुत ही क्वांटिटी कम खाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितना क्वांटिटी, एक भर के प्लेट है, और कई बार तो इससे ज़्यादा भी खा लेता था, इतना में मुझे पेट भरता नहीं था। तो मैं ये दिमाग में चलता रहता था कि ब्रेकफास्ट आपका राजाओं की तरह होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, और मैं कई बार इससे दुगना भी खा लेता था क्योंकि भूख बहुत लगता था। बहुत टेस्टी है। क्या आप लोग भी उपमा खाते हैं ये सोच के कि उपमा बहुत हेल्दी है, अच्छा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग हफ्ते में कितना दिन उपमा खाते हैं, क्या उपमा आपका फेवरेट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 100 ग्राम्स में कितना कार्बोहाइड्रेट है ये प्लीज बताना जरूरी है ताकि जितने भी दर्शक है उनको मालूम हो सके कि आखिर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे, इसमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है गाइज और कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये पराठा भी दिखाता हूँ। एक टास्क आपको और देता हूँ, एक पराठे में कितना कार्ब होता है नीचे कमेंट में जरूर लिखना।
एक पराठा में कितना कार्ब होता है जरूर बताना। तो ये आप समझ लो 200 ग्राम उपमा है मेरे पास, एक मीडियम साइज का पराठा है और 150 ग्राम के आसपास दही है। प्लीज आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि टोटल कार्ब कितना है। और ये चाय है, एक कप चाय, इसमें 2 चम्मच चीनी मिला है, दूध वाली चाय है। तो टोटल कार्ब कितना होगा ये आप लोग मुझे बताओ कि इस पूरे मील में कितना कार्बोहाइड्रेट में खा रहा हूं। भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता था, हर दिन जो मेरा नाश्ता होता था ऐसे ही होता था, हाई कार्ब, कम से कम 100-150 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट में सुबह ही ले लेता था। जी हाँ दोस्तों, सुबह ही मैं 100-150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेता था और मुझे मालूम ही नहीं था कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट। मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, घर का खाना खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर का खा रहा हूं, मैं बाहर का खाता था लेकिन नाश्ते में तो बिल्कुल नहीं खाता, नाश्ते में मैं घर पे नाश्ता करता था। बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया। ऐसा नाश्ता किसको नहीं अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग क्या इस तरह के नाश्ते कर रहे हो, आप लोग बताओ। और आप लोग को क्या पसंद है, क्या खाते हो आप लोग? और अगर आप लोग को भी डायबिटीज है तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि डायबिटीज आखिर क्यों होता है आपको, या क्यों हुआ है, या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज क्यों है, ये सारे चीज जर है। क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है और कार्बोहाइड्रेट का नॉलेज हमें नहीं होता, हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दही खराब है, पराठे खराब है, उपमा खराब है, ये नहीं कह रहा मैं। ये बैलेंस डाइट नहीं है, ये अनबैलेंस डाइट है। इसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है, मात्र 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन होगा, फैट इसमें भी 4-5 ग्राम होगा और ज्यादातर जो है या 10 ग्राम फैट होगा और ज्यादातर तो पूरा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस्ड करके खाना है। जब मैं बैलेंस बोलता हूं तो आप समझ लो 33% कार्बोहाइड्रेट, 33% प्रोटीन और 33% फैट। अगर आप इस तरह से बैलेंस करके खाएंगे या 30-30-40, 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट। एक और चीज आप लोग को बताता हूं जो पहले शायद कभी नहीं बोला, अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों का रेशियो अगर सेम रखेंगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइए, अगर आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आप 200 ग्राम प्रोटीन भी लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्राई करके देखना, क्योंकि प्रोटीन आप ज्यादा खा नहीं सकते, प्रोटीन थोड़ा सा खाएंगे तो आपको पेट भर जाएगा। इस पूरे मील में प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काफी दिक्कत है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं मालूम था। हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बैलेंस डाइट तो खाना चाहिए, सबको मालूम है, मैं भी जानता था, लेकिन हमें लगता है कि बैलेंस डाइट में 80% कार्ब होना चाहिए और बाकी 10% उसको बैलेंस डाइट नहीं बोलते हैं गाइस। 60% भी कार्ब है तो भी बैलेंस नहीं है। आपके कार्ब इंटेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 40% तक रख सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% ऑफ टोटल कैलोरीज, उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। और ये 40% मैं उनके लिए बता रहा हूं जो एक हेल्दी इंसान है। आज के डेट में मैं 40% रखता हूं, उससे ज्यादा नहीं रखता। 40-30-30 ऐसे रेशियो रखता हूं मैं, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट, इस रेशियो से मैं चलता हूं। देखिए अभी मैंने सारे खा लिया है, पराठा भी खा लिया और उपमा भी खत्म, दही भी खत्म कर देता हूं। उसके बाद भी अगर आप मुझे और थोड़ा सा उपमा देंगे ना, मेरा पेट भरा नहीं है, सच बता रहा हूं। और आप लोग के चक्कर में, आप लोग को ये दिखाने के चक्कर में मैं ओवर ईट कर रहा हूँ आजकल, यही दिखा रहा था कि मैं पहले ऐसे ही खाता था और मेरा थोड़ा सा टोन भी निकल गया है, 2 किलो मेरा वजन भी बढ़ गया। कुछ दिन और दिखाऊंगा ये सीरीज, कुछ दिन और चलाऊंगा। इस महीने के अंत तक ये सीरीज चलाऊंगा। अभी मैं आप लोग को लंच और डिनर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी रहता हूँ तो शूट नहीं कर पाता। ब्रेकफास्ट मैं इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में फ्री रहता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि लंच और डिनर में मैं क्या खाता था, वो भी कोशिश करूंगा दिखाने का। ये पूरा महीने यही सीरीज चलेगा, अगले महीने से
एक नया सीरीज होगा और वो सीरीज होगा कि डायबिटीज को मैंने कैसे रिवर्स किया और डायबिटीज रिवर्सल के दौरान मैं क्या क्या खाता था। तो देखिए गाइस, ये सारे चीज मैंने खत्म कर दिया। आहा, मजा आ गया। और चाय तो हर बंदा पीता है, मैं भी पीता था, अभी भी पीता हूँ इनफैक्ट कभी कभी। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर उनको डायबिटीज़ क्यों हुआ है या क्यों होने जा रहा है। अगर यही सब आप खाते रहेंगे, अगर आपको आज डायबिटीज़ नहीं है तो आने वाले समय में डायबिटीज़ ज़रूर होगा। और अगर आपको डायबिटीज़ है और आज तक किसी ने नहीं कहा है कि ये सब नहीं खाना है और ये सब अगर आप बंद करेंगे तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, ये उपमा, ब्रेड, पोहा, ये सब खाना बंद करिए, तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के बाद आप दोबारा से ये सारे चीज़ खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नए ब्लॉग्स बनाने का, डेली ब्लॉग्स बनाने का। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में इस तरह के ब्लॉग्स आपको मिलते रहते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।